ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के शेयर में गिरावट रुक नहीं रही है। मंगलवार को कारोबार के दौरान जोमैटो के शेयर का भाव इशू प्राइस से भी नीचे चला गया। हालांकि निचले स्तरों से शेयर में थोड़ी खरीदारी जरूर देखने को मिली। मंगलवार को जोमैटो का शेयर मामूली बढ़त के साथ 81.50 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 5 दिनों में ये शेयर 13% टूटा है। पिछले 1 महीने में जोमैटो में 39% की गिरावट आई है। जोमैटो का इश्यू प्राइस 76 रुपए था। इस वक्त ये शेयर इश्यू प्राइस से थोड़ा ही ऊपर है। अब सवाल इस बात का है कि जिन निवेशकों के पास ये शेयर हैं, वो क्या करें। इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले जोमैटो के दिसंबर तिमाही के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जोमैटो का घाटा कम होकर 63 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी को पिछले साल समान अवधि में 352 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तीसरी तिमाही में आय तिमाही आधार पर 82.7% बढ़कर 1,112 करोड़ रुपए रही, जो सितंबर तिमाही में 609 करोड़ 40 लाख रुपए थी। जोमैटो की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 84.5% बढ़कर 5,500 करोड़ रुपए रही। जोमैटो के घाटे में कमी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फिटसो में हिस्सा बिक्री के बाद आई है। फिटसो में हिस्सा बिक्री से जोमैटो को करीब 316 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसी वजह से दिसंबर तिमाही में घाटा तेजी से कम हुआ है। जोमैटो पर ब्रोकर्स की अलग अलग राय है। हालांकि ज्यादातर ब्रोकर्स ने इस शेयर के टारगेट को घटा दिया है। IIFL सिक्योरिटीज के मुताबिक जोमैटो का शेयर अभी कमजोर है। 70 रुपए इस शेयर का सपोर्ट प्राइस है। इससे नीचे गया तो शेयर 58 रुपए तक टूट सकता है। GCL सिक्योरिटीज का मानना है कि इस शेयर में 100 रुपए के ऊपर जाने पर ही तेजी दिखाई देगी। 70 रुपए के आसपास इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। जेफरीज ने जोमैटो को बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य 175 से घटाकर 120 रुपए कर दिया है। क्रेडिट सूज ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ लक्ष्य को 185 रुपए घटाकर 120 रुपए किया। हालांकि कई बाजार के जानकार अभी भी मानते हैं कि 2 से 3 साल के नजरिया रखने वाले निवेशकों को इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना का डर खत्म होने के बाद जोमैटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियों को अच्छी कमाई हो सकती है।